आपके घर? नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग पहुँचे हैं टाउन पार्क में, और टाउन पार्क में आप देखें बड़े बड़े मन से पक्षी घर निर्माण कराया था विधायक नरेंद्र गुप्ता ने, अपने निजी पैसों से कराया था, और स्वर्गीय श्री किशन चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बिरमा देवी व उनके सुपुत्रों नरेंद्र गुप्ता विधायक फरीदाबाद एवं राकेश गुप्ता द्वारा कराया गया था। अब आप ये देखें कि इस पक्षी घर में, पूरे पक्षी घर में एक भी परिंदा यहाँ मौजूद नहीं है। और दरअसल ये कृत्रिम आवास जो हैं, ये जो फ्लैट्स हैं, परिंदों के जो फ्लैट्स हैं, इनमें परिंदों ने रहने से इनकार कर दिया है। आप ये समझें, ये वैसे ही खाली पड़े हैं। 3 नवंबर 2022 को इनका उद्घाटन किया था, विप्लव देव यहाँ आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, वो यहाँ पहुँचे थे, भाजपा के बड़े नेता हैं, और उनके कर कमलों से ये इस परिंदों के फ्लैट्स का उद्घाटन कराया गया था। और अब समस्या ये है कि इस रंग बिरंगे मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में परिंदों ने रहने से इनकार कर दिया है, परिंदे नज़र ही नहीं आते हैं इसमें। वरुण भाई हमारे साथ हैं, समाज से भी वरुण शोकंद हमारे साथ हैं जी। ये तो हमारा जो इंसान है ना, यही हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। जो तेल के रेट बढ़ जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ज़मीन छीन ली तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, कोलकोठरी में फेंक दिया तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और फ्लैट में फेंक दिया तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन फ्लैट एक कॉम्प्रोमाइज़ ही है। हर कोई अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहता है, पेड़ पौधों के पास रहना चाहता है। अब आसपास देखिए, किसी पेड़ पे देखिए, बहुत पक्षी है, बहुत सारे, नो डाउट कोई पक्षियों कमी नहीं है, बहुत पक्षी हैं यहाँ पे। कितने परिंदे हैं? सुबह करलव होता है, आवाज़ें आती हैं यहाँ, आप घूमने में मतलब कि एक संगीत सा बजता है। और यही बात इसमें रहने की, तो बनाया जो इसमें किसी ना किसी एक वैज्ञानिक की, जो पक्षी विज्ञानी है, उसकी सलाह ले लेनी चाहिए थी। आप इसमें नेचुरल हैबिटेट बनाते, आपने यहाँ पे एक नर्सरी, वो क्या लाइब्रेरी बना दी, बट द यूज़ क्या यूज़ है उस लाइब्रेरी का? आप अच्छे खासे पार्क है, ये सबसे अच्छा पार्क है फरीदाबाद, एक ही रह गया है। बाईपास तो सारा इन्होंने उखाड़ दिया, रोज़ गार्डन इतना अच्छा था, पुराने हमारे नेताओं ने या रेजिडेंट्स ने बनवाया था, पूरा का पूरा रोज़ गार्डन साफ कर दिया, एक हाईवे उसके जो निकल रहा है, और वो वाला रोज़ गार्डन उसकी आप हालत देख रहे हैं, पानी देने वाला कोई नहीं है। यहाँ की हम झूलों की हालत 2-3 दिन पहले दिखाई थी, वो देख ही रहे हैं, अब इसकी देख लीजिए आप। अननेचुरल हैबिटेट में कोई नहीं रहना चाहता, ये इंसान ही है जो फ्लोरों में रह लेते हैं, पक्षी एक भी नहीं है इसमें। मेरे ख्याल से वेस्टेज ऑफ, कंप्लीट वेस्टेज ऑफ मनी। मैं नरेंद्र गुप्ता जी की भावना के खिलाफ नहीं हूँ, माता पिता की स्मृति में अच्छा है, उन्होंने पैसा भी लगाया, लेकिन किसी अगर वैज्ञानिक की मदद ले ली जाती तो ये पैसा भी ठीक से और अच्छे काम में, इंटरेस्ट भी हो जाता जी, जी। और पक्षियों का भला हो जाता, लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इस पक्षी घर में परिंदे नहीं हैं, और आप देख सकते हैं फरीदाबाद, थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दें, नज़दीक से भी दिखा दें कि इस परिंदे, परिंदों के लिए बने इन फ्लैट्स में परिंदे नहीं रहते हैं। कुल मिला के ये कि ये सब खाली पड़े हैं, ये देखें, पक्षी पेड़ों से आएंगे सर जी। और ख़ास तौर से यहाँ इस पार्क में जहाँ इतने सारे पेड़ हैं, वहाँ परिंदों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत भी नहीं थी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।